नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्योति नेचर में। दोस्तों आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ हमारे शरीर में इम्यून सिस्टम को कैसे बढ़ाया जाए और किसी भी वायरस संक्रमण से बचने के लिए कुछ सरल उपाय के बारे में इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो में बने रहेगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया इसको सब्सक्राइब कर ले और पास में दिया बेल आइकन दबाए ताकि हमारी नई अपडेट आपको मिलती रहे। कोरोना वायरस का संक्रमण पूरी दुनिया में तेजी से फैल रहा है और हर दिन हजारों की संख्या में नए केस सामने आ रहे हैं। हमारा काम आपको डराना नहीं है बल्कि इस बात से अवगत कराना है और इस समस्या से कैसे बचाव किया जाए उसके बारे में कुछ सरल उपाय के बारे में आपको जानना बेहद ही जरूरी है। सबसे पहले तो आपको किसी भी व्यक्ति से कम एक या दो मीटर की दूरी बनाए रखना है और किसी भी व्यक्ति को छूने से बचना है। खांसी, छींक या फिर बाहर निकलते समय अपने चेहरे पर हमेशा मास्क का उपयोग करना है या फिर अपने चेहरे को किसी कपड़े से ढक के रखना है। बार बार आपको साबुन या हैंड वॉश से कम 20 सेकंड तक अच्छे से हाथों को धोना है और अल्कोहल आधारित सैनिटाइजर का उपयोग करना है। किसी भी बीमारी के चलते बार बार आपको नाक, आँख या चेहरे को छूने से बचना है और हो सके तो विटामिन सी युक्त फल या आहार का उपयोग करना चाहिए। अब बात करते हैं कि इस संक्रमण के बचाव में हम क्या क्या कर सकते हैं या हमारे शरीर की रोग प्रतिकारक क्षमता को कैसे बढ़ाया जाए उसके बारे में जानते हैं। अगर हो सके तो आप सुबह में जल्दी उठने का प्रयास करें और 20 से 30 मिनट तक योगासन या फिर प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। पूरे दिन की दिनचर्या में आप हल्का गर्म पानी का उपयोग करें। रोज प्रतिदिन एक चम्मच च्यवनप्राश का सेवन कर सकते हैं। जिनको शुगर की बीमारी है वह लोग शुगर फ्री च्यवनप्राश का उपयोग कर सकते हैं। दिन में एक या दो बार हर्बल टी का सेवन करें। उसमें आप तुलसी के 5 या 6 पत्ते, तज, ब्लैक पेपर, सौंठ और गुड़ नींबू को स्वाद अनुसार मिलाकर आप सेवन कर सकते हैं। अपने भोजन में हल्दी, जीरा, धनिया, लहसुन इन मसालों का प्रयोग ज़्यादा करें। शाम को आप नस्य चिकित्सा भी कर सकते हैं। इसमें आपको गाय का घी अथवा नारियल तेल की 2-2 बूंद नाक में लगा सकते हैं। रात को सोने से पहले आप हल्दी वाला दूध का उपयोग कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप अपने डॉक्टर या चिकित्सक की सलाह जरूर लें और भारत सरकार द्वारा किए गए गाइडलाइन को ज़रूर फॉलो करें और आरोग्य कर्मियों का सम्मान करें। तो दोस्तों ये थी छोटी सी जानकारी जो आप तक पहुंचानी थी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगती है या फिर आपके काम की है तो दूसरों को भी शेयर करें ताकि उनके भी काम आ सके और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।